नमस्ते, गेट माय हार्वेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना और इस 2 मिनट वीडियो में मैं ट्रांसप्लांट करने वाली हूं सनफ्लावर के कुछ सीडलिंग्स और बहुत सी टिप्स भी दूंगी। सबसे पहले तो ये गेंदे का साइज देखो, ओह वाओ कितना बढ़िया है। ये सब घर में बनी हुई कॉम्पोस्ट का कमाल है। 2 हफ्ते पहले पिछले साल के बचे हुए सूरजमुखी के बीज बोए थे और अब हमारे पास बहुत से सीडलिंग्स आ चुके हैं। मैं सनफ्लावर के कुछ सीडलिंग्स जो हैं यहाँ लगाऊं ताकि जब फूल खिले तो वहाँ से सनराइज होता है तो बहुत सुंदर लगता है। जब बिग हेड वाला सनफ्लावर है ये, तो यहाँ दिख रहा है मुझे धनिया लगा हुआ है, मटर लगे हैं ऑलरेडी, कुछ गेंदे भी लगे हैं, पर ये सब खत्म हो जाएगा जब तक सूरजमुखी का फूल खिलेगा। पिछले हफ्ते के 2 मिनट वाले वीडियो में जो सवाल पूछा था उसका जवाब है कि लेमन ग्रास को आयुर्वेदा में भुतरिन कहते हैं। और कुछ नामों को शाउट आउट देना चाहती हूँ, पूनम बिहार से, सुखदीप सिरसा से, गीता बॉर्डियो फ्रांस से, फाहत बिहार से, आर्य महाराष्ट्र से। बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप घर में कॉम्पोस्ट बनाते हैं तो गमलों की मिट्टी हेल्दी रहेगी। बड़े गमलों में सब्जियों को और फूलों को मिक्स करके लगाइए, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ होती है। यहाँ मैं सनफ्लावर के सैपलिंग्स लगा रही हूँ। और जिन लोगों को मेरी कुकिंग वीडियोस अच्छी लगती हैं उनके लिए मैंने नया चैनल खोला है, चटोरी चेतना नाम है उसका। इंस्टाग्राम पर भी हूँ मैं, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, रोज़ रेसिपी आती है वहाँ भी। अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए मुझे ये बताइए कि सूरजमुखी में खुशबू होती है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सनफ्लावर को लेकर मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि ये पौधे के फूल जो हैं बी मैग्नेट्स हैं, मतलब मधुमक्खियों को चुंबक की तरह अपने पास बुलाते हैं। मधुमक्खियां जो है पॉलिनेटर्स हैं। ज़्यादा फल सब्जियां आएंगी अगर इन पे मधुमक्खियां आएंगी, इसीलिए अब कुछ सैपलिंग्स मैंने यहाँ लगा दिए, कुछ नीचे और वेजिटेबल पैच के पास भी लगाऊंगी। जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, इसलिए बुरे दिनों से मत घबराइए। यहाँ एक वीडियो कार्ड आ रहा है, गर्मियों में और भी बहुत से फूल लगते हैं, उस कार्ड पे क्लिक कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अभी भी सनफ्लावर के सीड्स लगा सकते हैं और भी फूलों को शुरू कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।